ससुराल में बैठी बेटी हमेशा पिता की चिंता करके, मेरे पिता स्वस्थ रहे, मेरे पिता प्रसन्न रहे। उसका कारण मायका बाप के कारण होता है। शब्द तो मायका है, लेकिन मायका माँ के कारण नहीं माना जाता, मायका बाप के कारण से माना जाता है। जब तक बेटी का पिता जिंदा रहता है, तब तक बेटी सीना तान कर अधिकार पूर्वक मायके में आ सकती है, जा सकती है, कोई रोक टोक करने का साहस नहीं करता। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद माँ चुक भैया और भाभी के अधीन हो जाती है, तो मायका फिर भैया भाभी की इच्छा से मिलता है, अधिकार पूर्वक नहीं मिलता। इसलिए आपने देखे होंगे प्रसंग, जब किसी की माँ की मौत होती है, बेटी रोती तो है लेकिन अपने को संभाल लेती है। लेकिन जब उसको समाचार मिलता है कि मेरे पिताजी नहीं रहे, मेरे पिता की मौत हो गई, इतना रोती है, इतना रोती है। और जब पहली बार पिता की मृत्यु पर अपने मायके में आती है, दहाड़ मारती आती है, हा हा करती आती है, और सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार पर पछाड़ खाकर गिरती है। बहुत देर तक देहली पर पड़ी रहती है, उसको लगता है अब ये देहली मेरे लिए पराई हो गई, अब इसमें मैं स्वेच्छा से नहीं आती, आज सकती जा सकती। इसलिए बाप के लिए बेटी बहुत रोया करती है। हमारे पूज्य बापू कई बार सुनाया करते हैं कि किसी की बेटी को दुख देना हो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके पिता को गालियां दे दो, बिटिया के पिता को अपशब्द कह दो, उसको अपमानित कर दो। बहू सब कुछ सहेगी, लेकिन मेरे बाबूजी को कोई कुछ बोले, बहू सहन नहीं कर पाती, बिटिया सहन नहीं कर पाती, सास के पास जाएगी, पैर पकड़ेगी, रोएगी, माफी मांगेगी, माताजी मुझे डांट लो, मुझे फटकार लो, मुझे भूखी प्यासी रख लो, मत बहू का दर्जा मुझे दो, मुझे नौकरानी जैसा मान लो, लेकिन मेरी सौगंध आपको लगे, मेरे बाबूजी को कुछ बोलना नहीं, आपको पाप लग जाए। मुझे मालूम है कि मेरे गरीब बाप ने कैसे कैसे कर्जा करके मेरे हाथ पीले किए, मुझे मालूम है कि आपके दरवाजे के चक्कर काटते काटते मेरे बूढ़े बाप की एड़ियां घिस गई थी, तब मेरी शादी हुई, अभी तो मेरे बाप की पीठ से कर्जे का बोझ नहीं उतरा है। दिन भर भूखी रोती रहेगी, सारे घर को भोजन बना के खिला देगी, लेकिन बाप के लिए किसी ने बोला है, बेटी के मुंह में टुकड़ा नहीं जाता। विधाता ने इस सृष्टि में बहुत सारे पवित्र नाते बनाए हैं, लेकिन जितना पवित्र नाता बेटी और बाप का बनाया है, इकलौते बेटे की मौत हो जाती है, बाप नहीं रोया करता, छाती पर पत्थर रख लेता है, सारा गांव मोहल्ला रोता है, लाश को आंगन में देखता है तो सारा गांव फूट पड़ता है, लेकिन बाप अपनी छाती पर पत्थर रखकर आंसुओं को पी लेता है। लेकिन वही बाप जब पहली बार अपनी बिटिया को हाथ पकड़कर ससुराल के लिए डोली